का समावेशक कि जहां पर जलाने से नकारात्मक ऊर्जा स्वतः नष्ट हो जाती है। अब तो प्रयोग में मिल रहा है कि कठिन और भयंकर रोग भी उससे अच्छे हो रहे हैं। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि जो सहस्त्रार चक्र और आज्ञा चक्र डिसबैलेंसिंग होने से डिप्रेशन होता है आदमी का। जैसे बिहार वाले प्रधान जी बोले कि हमारा लड़का हो मास्टर अध्यापक है, उनका लड़का डिप्रेशन में हो गया था। बिहार से सुनकर आए मधुबनी जिला से, अब इसी प्रभाव से ठीक है क्योंकि डिप्रेशन की दवा चिकित्सा विज्ञान के पास नहीं, मेडिकल साइंस के पास नहीं। और इस तरह से माँ अगरबत्ती का प्रयोग करने का तरीका है कि उसको जलाइए, जलाने के बाद में 3 मिनट शांत हो जाइए, कुछ करिए ना, चाहे बैठ कर या सो। 3 मिनट के बाद उस शक्ति चारों ओर फैल जाती है। इस ब्रह्मांड में आपके संकट को दूर करने की जो विश्व ब्रह्मांड में फैले हुई अदृश्य शक्ति है उसको अपने ओर अट्रैक्शन देती है। दोनों हाथ को आपस में रगड़ें और उसको वहां रखें जहां तकलीफ हुआ, जहां तकलीफ है। यदि नहीं विश्वास है तो 30 से 40% काम करेंगे और विश्वास है तो 100% काम करेंगे, ठीक है। और कुछ सोचना नहीं है, यही सोचना है कि हम बहुत तेजी से अच्छा हो। अगर अगरबत्ती के शक्ति का ऐसे प्रयोग करना चाहिए। घर में है, घर में स्वतः तंत्रिकों के जाने के यहां मत जाइए, स्वतः नीम की लकड़ी पर लोहबान और नीम की पत्ती और कपूर मिला करके अपने साथ अपने दीक्षा लिए तो अपने आप में हवन कर लीजिए। नहीं दीक्षा लिए नकारात्मक शक्तियों से अच्छी तभी लोग परेशान है, सबसे हवन उसमें आहुति लाइए कम से कम 5 मिनट, बहुत ज्यादा है तो पर डे, फिर उसके बाद एक ही छोड़ करके, फिर उसके बाद एक एक हफ्ता पर, उसके बाद एक एक महीना पर। जो दूर के हैं नहीं आ सकते हैं अपने आप कर अपने हाथ। तीसरी बात, आप लोग नमक देखे हैं, नमक खड़ा, नमक खड़ा ओ पीसा हुआ नमक नहीं, खड़ा नमक होता है, खड़ा नमक लाए और उस खड़ा नमक से पक्का घर है तो पोछा मार दीजिए, हफ्ता में एक दिन जरूर मारिए, जैसे पानी डाल दिए फिर उसको पोछा मार दीजिए, छोड़ दीजिए। और यदि कच्चा घर है तो नमक को किसी चीज में रख दें, 3 जगह रखें, पूजा घर में जहाँ से जल पीते हैं वहाँ पर, जहाँ से भोजन करते हैं भोजनालय जहाँ है, मतलब क्या बोलते हैं भोजनालय को, किचन, रसोई घर क्या बोलते हैं, किचन, वहाँ रखें खड़ा नमक, खुले बर्तन में रखें कम से कम 24 घंटा, फिर उसको याद रखें उस नमक को फेंक दें, कहीं फेंक दें, घोड़े पर फेंक दें या कूड़ेदान में फेंक दें, फिर उसको लाए मन, ठीक है। वो क्या करेगा कि नकारात्मक शक्ति जितनी होगी उसको अपने ओर खींच लेगा। घर में सुख शांति हमेशा रखना है तो जो मूल मंत्र है, मूल मंत्र, घर के सभी देवताओं सोच रहे हैं कि सभी लोग सुख शांति से रहें, तो सुबह और शाम घी का दीपक जलाइए, माँ कालरात्रि के लिए घी का दीपक जलाइए, भूत प्रेत का हो तो सरसों का जलाइए, लक्ष्मी घर में लाना हो तो तिल का जलाइए, घी का जलाइए, नहीं घी का होता है तो सरसों का तेल का जलाइए, कुछ नहीं है तो माँ अगरबत्ती जलाइए। और ताली बजाकर, ताली बजाने का तरीका बताते रहने, हाथ पूरा टाइट होना चाहिए और एक दूसरे हाथ से तेजी से जितना शक्ति लगे उतना तेज से आवाज कर, अरे बगल वाले को मत मार देना, ठीक ना, थोड़ा प्रयोग करिए, प्रयोग करिए, भजन भी करना है।
भजन भी करना है। सुनिए, इसका योगा भी है।